पहाड़ों में सर्द हवाओं के साथ ठंडी होती वादियों में भले ही यहाँ के स्थानीय लोग सिकुड़ने शुरू हो जाते हों, मगर जो लोग पहाड़ों से कोसों दूर रहते हैं उनके लिए तो पहाड़ और पहाड़ों में जमी बर्फ को देखना किसी सुनहरे सपने से कम नहीं रहता। यही वजह है कि जो सर्दियां पहाड़ी लोगों के लिए आफत लेकर आती हैं, वही सर्दियां मैदानी इलाकों के लोगों के लिए सुनहरे पल लेकर आती हैं। नतीजन सर्दियों में हजारों की संख्या में मैदानी इलाकों से लोग सैलानी बनकर इन पहाड़ों की ओर रुख भी करने शुरू कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों धर्मशाला और धर्मशाला को कुदरत की ओर से मिली नौमत धौलाधार सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सर्दियां आते ही ये पर्वत श्रृंखला बर्फ की फेद चादर ओढ़ लेती है, जो सुबह शाम जहाँ चांदी की मणि चमकती है, वहीं शाम ढलते ही सुनहरे रंग की छटा बिखेर देती है। यही वजह है कि कायनात के इस करिश्मे को देखने लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। इतना ही नहीं, धर्मशाला और धौलाधार की इसी खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए अब धर्मशाला भी बॉलीवुड की पहली पसंद बन गया है। तो वहीं खास बात ये है कि धर्मशाला के पर्यटन स्थल त्रियुंड में तो लोग और भी जमकर लुत्फ उठाते हैं। धर्मशाला का त्रियुंड एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां साल के 6 महीने तो बर्फ की सफेद चादर ही पड़ी रहती है, और फिर उस चोटी से पूरा कांगड़ा यूं प्रतीत होता है मानो हम आकाश में और समूचा पंजाब हमारे सामने। त्रियुंड की इसी खूबसूरती के दीदार के लिए हर साल की मानित इस बार भी सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हर रोज यहां सैकड़ों की संख्या में सैलानी आ रहे हैं और बर्फ से लकदक इस पर्यटन स्थल का लुत्फ उठा रहे हैं। वीकेंड यानी शनिवार और रविवार तो मानो यहाँ मेला ही लग जाता है। हालांकि कोरोना काल चला हुआ है, सरकार ने कई तरह की गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं, फिर भी सैलानियों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही और यहाँ लोग हर तरह की गाइडलाइंस का पालन करते हुए पहुंच रहे हैं और सर्दियों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। बहुत मजा आया ऊपर जाके, सारा कुछ ही वर्थ इट है। अंदर तक हर जगह ठंड पहुंच चुकी है और पैर भी बहुत सुन्न हो गया। अभी आते हुए तो हम सब स्पोर्ट्स प्लेयर है तो नॉर्मल लग रहा है, पर जाते हुए पता नहीं अगर यहाँ वहाँ फिसल गए तो। फैसिलिटीज अभी अभी खाना शुरू करना है और अभी हमने रहना भी है, तो देखते हैं बाकी कैसे रहता है। बढ़िया ही होगा, हमारे साथ दीदी है जो बुलाने उन्हें, वो 4 टाइम आ गए है। अक्षय दी आ जाओ, बता दो 4 टाइम आप आए हो, ये नहीं पता लगा आज तक कि हमें जूते हमें गाइड किया है, ये 4 टाइम यहाँ पे पहुँचे। मैं फिर से गिरी, खुद एक बार गिरी। 4 टाइम कैसा फील हो रहा है? इट्स वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग सब प्लेयर्स हैं भाई, बेसिकली हम आए हैं गुड़गांव से, वहाँ तो अब वहाँ से यहाँ आना मतलब जन्नत में आ गया सीधा। इससे बेटर तो क्या ही जगह होगी, मैं तो सोच रहा हूँ कि शिफ्ट कर लूँ बस, अगर थोड़ा सा नॉन हिमाचली इसको जगह लेने के लिए परमिशन मिल जाए तो हम तो यहीं ले लेंगे। इससे बढ़िया क्या, यही लाइफ है सब कुछ। बिल्कुल, हमारा तो ड्रीम हो गया पूरा, हम तो रोज यहाँ पे, अभी लॉकडाउन से पहले तो यही सोच रहे थे कब पहुंचे, कब खुलेगा, अब कर्फ्यू लग गया, फिर भी हमने कोशिश करी कि हम पहुंच जाए, देखो यहाँ पे पहुंच गए जन्नत में, हमारा ड्रीम हो गया पूरा। ठीक है, थैंक यू भाई।